सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? खूब करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, चौकर होंगे, फिट होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है अपने घर से, तो अभी जा रहे हैं बैंक में, मुझे काम है। पासबुक यार गुम हो चुकी है, तो वो बनवानी है, नहीं वो लेके आते हैं। उसके बाद यार एक न्यूज कवर करने भी जाना है, वो जाएंगे, वो भी आपको बता देंगे। पहले बैंक जाते हैं, पहले वो काम निपटा के आते हैं। अभी चलते हैं बैंक में यार, यहाँ पे काम है, चेकबुक लानी है, वो ले आते हैं। सो गाइस अभी बैंक से घर आ चुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब निकलते हैं जल्दी से फटाफट। अब निकल रहे हैं यार, कैफेटेरिया की ओपनिंग है सलानी ब्रिज बस स्टैंड में। अभी चेयरमैन सर की आ चुकी थी, तो अब चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके न्यूज कवर करते हैं। इसे कौन सा कैफेटेरिया खुला है यार, हम भी आपको बताएंगे, आप भी जाके एक बार विजिट जरूर करना। चलो यहाँ से निकलते हैं और अक्षय भाई को लेते हैं। तो गाइस अभी मैं और अक्षय भाई, और अक्षय भाई ठीक हो? बस बढ़िया भाई। तो अभी आए थे यहाँ पे कैफेटेरिया की इनॉग्रेशन थी, तो वहाँ पे न्यूज कवर करना था। अभी पता चला कि धनी दार प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ से भी कॉल आई, वहाँ जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी हम प्रोटेस्ट के लिए जा ही रहे थे, जहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। इतनी प्यारी लोकेशन है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, धनी दार से बिल्कुल आगे रोड जाती है कप्पे खा वाली तरफ। ये देखो यार, सिंगल सी रोड है और रोड बिल्कुल साफ है। नीचे रोड खराब है, पर ये वाली रोड देखो बिल्कुल साफ है। आगे चलते हैं यार, यहाँ से व्यू बहुत जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है। जगह से ये चलो हम प्रोटेस्ट की न्यूज कवर करने आए थे, तो ये जगह भी आगे भाई। इसके बाद धूप भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, साथ नई स्कूटी लेके आया। नीचे रोड खराब थी भाई, मुझे लगा अब आज ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, पर आराम आराम से निकाली। यहाँ पे तो रोड बिल्कुल साफ है। अब सीधा प्रोटेस्ट की लोकेशन में मिलते हैं आपको, वहाँ देखते हैं क्या हिसाब है। गाइस अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा प्रोटेस्ट आपको ब्रीफ में मिल जाएगा मीडिया चैनल पे, तो वहाँ जाके जरूर विजिट कर लेना। फाइनली अभी हम प्रोटेस्ट की लोकेशन से आ चुके हैं यार, कसम से इतना माहौल गर्म था ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई एक्शन वगैरह पहुंचा होता ना भाई बहुत ही बुरी हालत हो जानी थी। तो ट्यूजडे तक, हाँ ट्यूजडे तक इन्होंने टाइम मांगा भाई, इधर पानी तो है नहीं, पाइप तक नहीं है, तो क्या ही होगा। तो अब ये प्रोटेस्ट बता दिए, जो हमारे न्यूज चैनल में आ जाएगा वो आप देख लेना यार। जिन्होंने उधर फॉलो नहीं किया वो फेसबुक में न्यूज बुक वर्ल्ड करके है, न्यूज बुक वर्ल्ड भाई जाके फॉलो कर लो। अब भूख लगी काफी ज्यादा, कुछ खाना यार, क्योंकि खाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी है नी। तो अभी चलते हैं यार, पहले डाक बंगला चलते हैं, डाक बंगला में जाके थोड़ी देर बैठते हैं यार, काफी थक चुके। धूप इतनी ज्यादा तेज है ना, और गर्मी भाई लाइव चला रहे थे हम न्यूज बुक वर्ल्ड पे, तो यार उधर पसीना इतना आ रहा था ना भाई, धूप इतनी ज्यादा थी, छाऊं थी नहीं। गाइस फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं यार, बाहर आज इतनी गर्मी है ना, कसम से बहुत ही ज्यादा गर्मी है बाहर। अभी घर पहुंच चुके हैं यार, थोड़े रश वगैरह करने लगे, मैं थोड़े सोने लगूं, क्योंकि सुबह से गए थे। पहले हम कैफेटेरिया की इनॉग्रेशन थी, तो वहाँ पे गए थे, कैफेटेरिया ओपन हुआ, उसके बाद हम चले गए थे ऊपर प्रोटेस्ट पे, जहाँ पे धनीदार प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके बाद हम डाक बंगले बैठे हुए थे। तो अभी आ चुके हूँ घर में यार, खाना साना खा लिया, तो अब सोना यार, बस थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, देखते हैं क्या रहता आज के दिन में। और मेरी नींद हो चुकी है पूरी यार, इतना सोया हुआ था ना कसम से, इतना सोया मैं आज, मतलब कि दिन को सोया हूँ, अभी शाम को उठूँ, शाम के 6:30 हो गए हैं, अब उठूँ जाके यार, इतनी नींद आई हुई थी, थक गया था क्योंकि आज गर्मी इतनी थी बाहर यार। वो कप्पे खां कितने दूर गए थे न्यूज कवर करने, तो भाई आके नींद आई थी, मैं सो गया था। तो अब चले कुछ चक्कर शक्कर लगाने के लिए, देखते हैं क्या बनता है यार, जहाँ जाते हैं राहुल भाई के पास भी जाना है, तो थोड़ी गेड़ी शेड़ी लगाते हैं, आपको भी बताएंगे। तो स्टे कनेक्टेड रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। भारत के शहीद, भारत के शहादत देने वाले, भारत के शहीदों को, भारत के शहीदों को। गुजर मंडी भाई विशाल रैली निकाली हुई, जो तीन शहीद हमारे एनकाउंटर में शहीद हो चुके थे, उनके ऊपर श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे विशाल रैली निकाली हुई है। ये देखो यार काफी ज्यादा रश है इस टाइम। अभी वहाँ पे मशाल रैली खत्म करके भाई अभी हम आ चुके राहुल भाई के पास, और राहुल भाई ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया, सब बढ़िया ना, सब बढ़िया। तो भाई अभी हम आ चुके हैं चिल्ली बाइट्स में यार, फ्राइड राइस खाने के लिए, भूख लगी थी काफी ज्यादा यार। मशाल रैली पे इतना रश था ना यार, और ऊपर से वो जो आग लगी हुई थी, और इतनी हीट और थी आगे, गर्मी थी, पसीना इतना आ रहा था, वहाँ पे न्यूज कवर कर रहे थे, तो भाई वो भी काम है वो करनी थी। तो अब उसके बाद अभी खाने के लिए आए हैं, ये खाते हैं, उसके मम्मा की भी कॉल आ चुकी है, काफी लेट हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधा घर, और घर जाके मिलते हैं। तो हाँ जी महाराज अभी हम घर आ चुके हैं, मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी क्या बना रहे हो यार? मैगी फुल्का। मैगी? तो भाई यहाँ पे बनने लगी मैगी, उसके लिए हमारे टमाटर प्याज हरी मिर्ची क्यों डाली है यार? फ्लेवर तो फ्लेवर भाई, इतना भी नहीं होता, डालो फट गया, छींटे पड़ी है, छींटे वीडियो बनाते छींटे पड़ी, हाथ फट गया वहाँ। आपको पता है तिजोरी में आग लगी थी? हाँ आज तिजोरी में आग लगी हुई थी भाई, मशाल रैली थी यार, मशाल रैली पे आग नहीं होगी तो क्या होगा, समझ रहे हो? शहीदों के नाम श्रद्धांजलि देने के लिए थी, तो आपको पता ही है कहाँ पे? मंडी पे। किस चीज की? वो जो तीन बंदे एनकाउंटर पे शहीद नहीं हुए हमारे, एक DYSP से, एक मेजर और एक कर्नल, उनके ऊपर श्रद्धांजलि थी।
तो मशाल रैली निकली थी चिल्ड्रेन पार्क से गुजर मंडी तक, पूरी आग आग हुई थी, काफी यूथ था तो बड़ा सही रहा था। कहाँ गए थे आज आप? आज मैं गई थी थोड़ा घूमने फिरने आगे पीछे। देख रहे हो घूमने फिरने गए थे, हमने हमने कहा टाइम ही नहीं होता यार घूमने फिरने का, लेकिन जाते सुबह जाता तो रात को आता। भाई काम है ना, काम काम जरूरी है जरूरी। तो अब चलते, ओ प्रावा एक की करन दिया यार कमरे के ला, देख रहे हो कपड़े धोए होंगे ना, छत से सुबह के मेरे बेड के ऊपर आएंगे, देख रहे हो मेरे क्या प्रेस करोगे तो रखने होंगे ना, प्रेस करो भाई पहले, हमसे तो होंगे नहीं, हम साइड में उठा के रख देंगे, प्रेस करेंगे आराम से अलमारी में रख देंगे, क्योंकि उस दिन यार मैं ढूंढ रहा था बीच में एक टी शर्ट प्रेस नहीं हुई हुई थी, कुछ कपड़े प्रेस करते हैं कुछ मुझे लगता करते हैं यार सब करते हैं, वो जब अलमारी में पड़े हो तो क्रीजें बन जाती हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं। कब तक बन के तैयार होगी? लिखा था 2 मिनट्स, हाँ पर 2 मिनट में नहीं बनती, देख रहे हो मैगी 2 मिनट में बनती नहीं। यार कंपनी वाले पता क्या करते हैं, ये स्टंट है ब्रांडिंग का कि 2 मिनट्स में मैगी नूडल्स तैयार, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। अभी पहले पानी पी रहे तो ठंडा ठंडा, उसके बाद मिलते हैं आपको। और यार स्कूटी की डिक्की से सामान निकालना यार, न्यूज का माइक है, उस चार्जर बेसिकली मेरा मेन चीज़ है चार्जर, क्योंकि फोन चार्ज करूंगा तभी तो भाई आगे जिंदगी चलेगी, फोन के बिना जिंदगी कहाँ है यार आजकल। जब पहले बटरों वाले फोन होते थे ना तब जिंदगी हुआ करती थी, आजकल जब देखो 10 मिनट भी फ्री बैठोगे ना 10 मिनट बाद आपको फोन चाहिए हाथ में, ये फैक्ट है यार, ये आपको भी पता है। तो अभी नीचे जाते हैं चार्जर निकालते हैं फिर वापस ऊपर आते हैं। देख रहे हो ये मेरे चैनल का नाम है, जाके सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो फेसबुक में न्यूज बुक वर्ल्ड। पूरा बैग भी ले चलते हैं, बैग ले लिया, डिक्की को कर देते हैं लॉक, खुलनी नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ से भी एक बारी इसको लॉक। तो गाइस माइक भी ले लिया, बैग भी ले लिया, अब चलते हैं वापस से ऊपर। अब फोन को लगाते हैं चार्ज, क्योंकि फोन मेरा होने लगा डेड, फोन को जल्दी से चार्ज लगाते हैं। देख रहे हो न्यूज बुक वर्ल्ड। सो हाँ जी मम्मा, आप क्या कहना चाहोगे, आप जो आज मैगी बना रहे हो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ आप बोल सकते हो, कंपनी वाले जो स्कैम करते हैं 2 मिनट बोल के, 2 के आगे 0 लगा दो, 20 मिनट। हाँ 20 मिनट हो जाएगी तैयार। हाँ। चलो एक चीज बोलूं, इतनी भी घंटी है तो 20 मिनट पे भी तैयार नहीं होगी, हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो कैमरामैन आर्यन बख्शी के साथ, कैमरामैन भी आर्यन बख्शी, जर्नलिस्ट भी आर्यन बख्शी, क्योंकि ब्लॉगिंग है यार। अपनी इस अमानत को साइड में रख देते हैं अपने ठिकाने, तो भाई रख दिया, हम ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दिया। 20 मिनट कब की हो चुकी है मम्मी? बेटा बन गई है, मैं खाना डाल रही हूँ। डाल रही हो भाई, ये देखो मैगी हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि अभी हमने खानी नहीं क्योंकि अभी भूख नहीं है, बाद पे खाएंगे। नहीं आप एक काम करो, 2 फुलके डाल दो, ठीक है 2 फुलके देसी घी लगा के भाई, क्योंकि देसी घी से देख रहे हो ना आगे कितनी बनी हुई है। पापा उठो, खाना उठो। पापा अभी मेरी लाइव देख रहे थे जो मैंने की है भाई, कसम से इतनी तगड़ी पीटीसी की है ना मैंने आज, जो मशाल डालने निकली थी बहुत जबरदस्त। तो आप भी चेकआउट कर लेना मेरे न्यूज चैनल पे। मैगी आ चुकी है गाइज, अब हमारी इस मैगी हम टेस्ट करेंगे, मम्मी ने जो आधे घंटा लगा के मैगी बनाई है ना, जो 2 मिनट्स होती है ना 2 मिनट्स में मैगी तैयार, ये आधे घंटे में तैयार हुई है। अब खाते हैं टेस्ट बताते हैं कैसा है, फिर हम आपको मिलते हैं। मजेदार।